राजापुर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ पहुंचे जिला कलेक्टर कार्यालय, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह पवार ने बताया कि मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ आंदोलन के प्रथम चरण में आज प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी क्रम में शाजापुर जिले में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन की प्रमुख मांगे इस प्रकार है कि 1 जुलाई 2020 एवं 1 जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि का लाभ तत्काल लागू किया जाए। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार को भी 5% महंगाई भत्ता दिया जाए। गृह भत्ता, भाड़ा, सातवें वेतनमान में केंद्रीय कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाए। प्रदेश के समान विभाग नियमों मंडलों में कार्यरत स्थायी कर्मियों को नियमित किया जाए। 1 सितंबर 2016 तक के कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी से नियमितकरण किया जाए। प्रदेश के समस्त विभागों, निगम मंडल में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का नियमितकरण किया जाए। सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में कर्मचारी संघ पूरे मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगा। 40 विभाग के कर्मचारी प्रतिनिधि यहाँ अपनी जायज मांगों को लेकर, न्यायोचित मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रमुख सचिव के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय को देने जा रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो बहुत उदारवादी हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों की जायज मांगों का, न्यायोचित मांगों का शीघ्र निराकरण करें, हमारी दोनों वेतन वृद्धि चालू करें। और केंद्र के समान जो डीए बढ़ा है वो डीए हमारे कर्मचारियों को दिया जाए, क्योंकि हमारे कर्मचारियों को महंगाई की मार बहुत मार रही। कोरोना की मार के बाद ये महंगाई की मार बहुत मार रही है। प्रत्येक कर्मचारी को 5-5, 10-10, 15-15 किलोमीटर से मोटरसाइकिलों से आना पड़ता है। पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। हम सब इन 11 सूत्री मांगों को, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं कि लिपिक वर्गियों की वेतन विसंगतियाँ दूर हो, हमारी पदोन्नति चालू हो, और भी हमारी 16 सूत्री मांगे, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, और हमारा जो रुका हुआ पैसा है वो हमें शीघ्र दिया जाए, क्योंकि हमारे कर्मचारियों ने इस कोरोना काल में भी, सारे कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए कोरोना काल में अपनी अपनी ड्यूटियाँ दी है। और कोरोना से जो लोग मृत्यु हुई है उनके परिवार को भी अनुदान वगैरह की राशि और उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति शीघ्र दी जाए। इन सब मांगों को लेकर आज पूरे प्रदेश में हम आंदोलन कर रहे हैं, संयुक्त मोर्चा अधिकारी कर्मचारी संघ के आह्वान पर। और हमारे साथ इस समय लिपिक वर्ग के जिला अध्यक्ष, प्रांतीय पदाधिकारी, वन कर्मचारी संघ के पदाधिकारी, राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष, लघु वेतन कर्मचारी संघ के सभी संघों के पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे हैं। मैं सबसे शासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो 3 सूत्री कार्यक्रम है, 24 तारीख को हम जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देंगे और 29 तारीख को पूरे प्रदेश के कर्मचारी एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर शासन को चेताएंगे। अगर उसके बाद भी शासन ने हमारी मांगें पूरी नहीं की तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। भारत माता की जय। शाजापुर से दिलीप सवास की रिपोर्ट।